और इंशाल्लाह के बाद दिगरे आपकी पाकीज़ा अदबी समात तक पहुंचेंगे। एक बार आप हज़रात तरफ के कह दीजिए सुभान अल्लाह, जरा धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, जब सरे महशर ज़बां पे नामे सरवर आ गया, कहेंगे सुभान अल्लाह आप हज़रात। हाँ, अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो 10-10 रुपया ले जाइए यहाँ से, लेकिन सुभान अल्लाह बोलिए आप लोग। जब सरे महशर ज़बां पे नामे सरवर आ गया, उनके हाथों में मेरे खुद जामे कौसर आ गया। जरा और मचल के कह दो सुभान अल्लाह यार, हाथ उठा कह दो यार रसूल अल्लाह, यार रसूल अल्लाह, लब्बैक सरकार गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। जब सरे महशर ज़बां पे नामे सरवर आ गया, उनके हाथों में मेरे खुद जामे कौसर आ गया, और अल मददिया मुस्तफा जब लप्पे मेरे आ गया, जलजले घबरा गए तूफान को चक्कर आ गया। अल मददिया मुस्तफा जब लप्पे मेरे आ गया, जलजले घबरा गए तूफान को चक्कर आ गया, और कुफर के दलदल से इंसान को बचाने के लिए अरशे आजम का मकी फरशे जमीन पर आ गया। कुफर के दलदल से इंसान को बचाने के लिए अरशे आजम का मकी फरशे जमीन पर आ गया। जितने लोग बैठे हैं बस बेदारी का सबूत फराहम करें, ये रात आपकी किसी तरीके से यारो जाया ना हो। अब आइए मोहम्मद उतराम के साथ फिर नातिया शायरी में आपकी समातों के हवाले करने के लिए। मोहम्मद हुसैन आजम साहब तिबला कश्मीर से आए हुए हैं, श्रीनगर के रहने वाले माशाल्लाह, मैं उन्हें आपके हवाले कर रहा हूँ। कुछ देर के बाद मैं आपसे जरा सा हिसाब चुकता हो जाएगा और मैं आपसे माजरत चाहते हुए अपने शहर अपने इलाके की तरफ रवाना दमा हो जाऊंगा। उसकी वजह क्या है कि मेरे वालिद मोहतरम की तबीयत बहुत खराब है, बहुत नाजुक हालत में है, और दुआ करें कि अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला सेहत आजल अता फरमाए। आप दुआ कर दें बेदारी के साथ, कह दें सुभान अल्लाह, और मौकों से कह दें सुभान अल्लाह। रसूल पाक जिन्हें आन बान देते हैं, रसूल पाक, बिल्कुल ताजा शेर है, मैं चाहता हूँ कि आपके हवाले हो जाए, कुछ नए मिसरों से हमारी और आपकी समातें हम आहंग हो जाए दोस्तों। रसूल पाक जिन्हें आन बान देते हैं, उन्हें गुलामी का आला निशान देते हैं। और ये किस्मत सिकंदरपुरी बहुत बड़े शायर का नाम है, और ये ग्रुप के जो मुशायरे होते हैं, मैं कई मुशायरे में गालिबन इनके साथ हूँ और इनकी शायरी सुनता रहता हूँ माशाल्लाह, और बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे नकीब भी हैं। इस वक्त मेरी कुछ पनाही कर रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे ऐसे पाकिज़ा बावकार बाएतबार नकीब को। मैं चाहता हूँ कि आप हजरात ऐसे बावकार नकीब का इस्तकबाल भी करें और इनका एहतराम भी करें। मेरे बाद हजरत इंशाल्लाह इन्हीं की निज़ामत होगी, पूरा जलसा इनके हाथ में होगा। मचल के कह दें सुभान अल्लाह हजरात। रसूल पाक जिन्हें आन बान देते हैं, उन्हें गुलामी का आला निशान देते हैं, और खुदाए पाक उन्हें बाहयात रखता है जो मुस्तफा के इशारे पे जान देते हैं। खुदाए पाक उन्हें बाहयात रखता है जो मुस्तफा के इशारे पे जान देते हैं। और बहुत ही मोहतरम लहजा इस वक्त मिंबर शरीफ पे बैठा है, शोहरत और मकबूलियत जिसकी आगे आगे चलती है दोस्तों, वो उस लहजे का नाम शहंशाह तरन्नुम हामिद रज़ा जौनपुरी साहब हैं। मैं चाहता हूं कि वो अज़ीम शान लहजा कुछ ही देर के बाद इंशाल्लाह आएगा। उस शेर समाप्त कर लें कि रसूल पाक जिन्हें आन बान देते हैं, उन्हें गुलामी का आला निशान देते हैं, और खुदाए पाक उन्हें बाहयात रखता है जो मुस्तफा के इशारे पे जान देते हैं। हजरत तस्मीन लगाई थी मैंने, जो मुस्तफा के इशारे पे जान देते हैं। या रसूल अल्लाह, तेरे दयार से सूरज खिराज पाता है, तेरे दयार से सूरज खिराज पाता है, तेरी गली में सितारे अजान देते हैं। तेरे दयार से सूरज खिराज पाता है, तेरी गली में सितारे अजान देते हैं, तेरी गली में सितारे अजान देते हैं। मतलब के या अली, और मोहब्बत से कह दे यहाँ अली, बात मौला अली की आई थी हजरत, एक शेर बस मैं चाहता हूँ कि आप सब समाप्त कर ले या बर्दाश्त कर ले। चुन चुन के बुत हर एक निकाला अली का है, खुदा कसम मोहब्बत करने वाला हो तो तब तब के कह दे यहाँ अली, और मोहब्बत से कह दे यहाँ अली। चुन चुन के बुत हर एक निकाला अली का है, एहसान मंद आज भी काबा अली का है। चुन चुन के बुत हर एक निकाला अली का है, एहसान मंद आज भी काबा अली का है, और करबल में शीर खार के वोटों की वो हंसी, जुल्मो सितम के मुंह पे तमाचा अली का है। करबल में शीर खार के वोटों की वो हंसी, जुल्मो सितम के मुंह पे तमाचा अली का है।
जुल्मों सितम के मुंह पे तमाचा अली का है। आइए मोहब्बत और कलाम के साथ फिर मैं नातिया शायरी आपकी समातों के हवाले करने के लिए जनाब मोहम्मद आरिफ अमीन को आपके हवाले कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हजरात उनका नारों से इस्तकबाल करें और वो लहजा आपके हवाले हो जाए। नारे तकबीर।